हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका मार्केट कैप 10,000 से ऊपर है और ये स्टॉक का प्राइस चल रहा है 27 रुपया। और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और ये पावर सेक्टर से कंपनी है। आप सब लोग को पता है कि पावर सेक्टर जो 3 साल से नहीं चला है और ये कंपनियां आगे चल के बहुत बड़ी कंपनी तो बनी सकती है। और इसका मार्केट कैप भी अभी 10,000 रुपया, तो आगे चल के और भी इसका मार्केट कैप भी बढ़ सकता है अगर ये स्टॉक चलना शुरू कर दिया तो। अब मैं बताता हूँ पावर सेक्टर कंपनी में क्यों चूज किया। आप सब लोगों को पता है कि टीवी हो, फ्रिज हो, एसी हो और केबल हो, ये सब चारों जो प्रोडक्ट कंपनियां बनाती है, जो कंपनियां बनाती है, इन सभी का सेल्स लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आजकल जो गांव-गांव में जो पहले बिजली नहीं था तो अब बिजली पहुंच रही है, जिसकी वजह से इनका सेल्स ही बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो भी पावर सेक्टर की कंपनियां हैं तो वो भी अच्छा करेगी, क्योंकि बिजली का डिमांड दिन पर दिन बढ़ने वाला है और इन कंपनियों का बैलेंस शीट भी अच्छा होने वाला है। क्योंकि इन कंपनियां पहले मतलब कि कर्ज में कुछ ज़्यादा थी, चाहे जो भी कंपनियां हो, जितनी भी पावर सेक्टर की कंपनी हो, सभी कर्ज में डूबी हुई थी। लेकिन ये भी कंपनियां कर्ज है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे चल के ये कंपनी अच्छा कर सकती है। और इस कंपनी से ज़्यादा उम्मीद मत रखना। ज़्यादा मतलब कि उम्मीद का मतलब ये है कि ये कंपनी, ये नहीं होगा कि आपको 10 साल में आपको पैसा 15 गुना बना के देते। हाँ, 10 साल में आपका 5 गुना बन सकता है, क्योंकि और ये पूरी स्टेबल कंपनी है और इनकी फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रांग है। और इस कंपनी को होने जाने वाला नहीं है और ये स्टॉक आपको होल्ड करना चाहिए। अगर आप 5 साल के लिए होल्ड करना चाहते हो तभी आप खरीदना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता ये झूठ मूठ का बताना कि हाँ भाई आज ही ये चलने वाला है, 1 साल के अंदर चल जाएगा, नहीं। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन घंटा दबा लो, ताकि आपको मेरे आने वाले जितने वीडियो का उसके नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे चैनल पे कल मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ, तो हाउ टू अर्न 1 करोड़ इन 8 ईयर्स, तो आप ये वीडियो को देखना चाहते हो तो ये वीडियो को देख सकते हो। इसमें मैं बहुत अच्छी अच्छी स्टॉक के पोर्टफोलियो बनाया हूँ, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। इस कंपनी का नाम है SJVN Ltd और SJVN Ltd इस कंपनी का जो ज्वाइंट वेंचर चलता है वो सीधे सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ चलता है और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के साथ चलता है। ज्वाइंट वेंचर का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से टेक्नोलॉजी शेयर करना। तो ज्वाइंट वेंचर सीधे सरकार के साथ इधर चलता है, तो इस कंपनी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मैं बात करता हूँ इसकी पोर्टफोलियो की, तो इसकी पोर्टफोलियो की मैं बात करता हूँ, ये कंपनी किस किस टाइप के सोलर मतलब की पावर बनाती है, मतलब कि किस किस टाइप का मतलब पावर बनाती है। तो ये कंपनी सोलर पावर ही बनाती है, हाइड्रो पावर ही बनाती है और विंड पावर ही बनाती है। तो इस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इन्होंने लगातार इसका जो द प्रेजेंट इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ SJVN इज 1964 मेगावाट, कंप्रेसिंग ऑफ 1912 मेगावाट हाइड्रो प्लस 47.6 मेगावाट विंड पावर और प्लस 5 मेगावाट सोलर पावर। तो समझो ये हर तरह के पावर बनाती है और इस सेक्टर में ये कंपनी लीडर तो है ही है और ये कंपनी आगे जाके अच्छा करेगी। SJVN का सब्सिडरी कंपनी 2 है, आप देख सकते हो यहाँ पे SJVN अरुण थर्ड 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और SJVN थर्मल प्राइवेट लिमिटेड, ये बिहार की बक्सर में स्थित है। अब मैं बात करता हूँ इनकी ज्वाइंट वेंचर की, तो इनकी ज्वाइंट वेंचर 3 कंपनियों के साथ है। पहला जो है वो क्रॉस बोर्ड पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड है और दूसरा जो है खोलंगुचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड है और तीसरा जो है बंगाल बीरभूम कोल फील्ड लिमिटेड है। तो इनकी 3 कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर चलता है। ज्वाइंट वेंचर से ये फायदा होता है कि ताकि अपनी जो टेक्नोलॉजी हो एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। और मैं बताता हूँ ये तो SJVN एक मिनी रतन कंपनी है, जो आप समझ सकते हो क्योंकि अभी 27 रुपये इसका प्राइस है और इसका जो मार्केट कैप है वो 10,000 से ऊपर है। तो ये कंपनी तो अच्छी यही है। SJVN लिमिटेड का बेसिक प्राइस चल रहा है 27 रुपये और NSE प्राइस चल रहा है 2695 पैसा। और इस कंपनी का जो 52वीं हाई है, SJVN ने जो 52वीं जो हाई लगाया था वो 40 रुपया 15 पैसा इन्होंने हाई लगाया था और 52वीं लो है जो 26 रुपया 25 पैसा। तो समझो ये कंपनी आपको 52वीं लो के प्राइस से मिल रही है। और आप सब लोगों को पता है कि इस करेक्शन में अच्छी अच्छी कंपनियां ने अच्छे खासे करेक्शन दिखाए, तो ये कंपनियां भी उसी का हिस्सा है। और मुझे ये कंपनी बहुत जल्द ऊपर जाते दिखती है, क्योंकि अगर इस हिसाब से अगर करेक्शन होता है तो कोई भी कंपनी, अगर इस कंपनी की वजह से नहीं हुई, बस स्मॉल एंड मिड कैप में करेक्शन हुआ, इस वजह से SJVN लिमिटेड का ये प्राइस करेक्ट हुआ, तो मुझे लगता है कंपनी का प्राइस बहुत जल्द आपको ऊपर जाते दिख सकती है। और ये देखो यहाँ पे 5 साल का चार्ट है, तो इन्होंने जो 5 साल जो पहले का प्राइस था वो 18 रुपया था, 18 रुपये से स्टॉक ने 40 रुपये का हाई लगाया और अभी आपको ये स्टॉक फिर से आपको 27 रुपये के प्राइस से मिल रही है। अब मैं और देख लेता हूँ
इसका जो मार्केट कैप है ये देख लो यहाँ पे मार्केट कैप, और इसका मार्केट कैप देख के मैं भी थोड़ा चौंक गया। हालांकि जितने भी पावर सेक्टर की कंपनियां रहती हैं वो उसकी मार्केट कैप अच्छा खासा रहता है। तो इसका मार्केट कैप है 10,610, जो कि बहुत ही अच्छा मार्केट कैप है, क्योंकि इसमें जो भारत 22 ETF है वो भी कंपनी इन्वेस्टमेंट है, SBI का फंड का भी इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो कोई इस कंपनी को दिक्कत होने वाला है नहीं। और इस कंपनी का जो पी है वो 8.65 है। इसका जो बुक वैल्यू है तो बुक वैल्यू 31.81 है। आप सोच लो ये कंपनी आपको बुक वैल्यू से नीचे मिल रही है, बुक वैल्यू है 31.81 और इसका जो स्टॉक का प्राइस है वो 27 रुपये चल रहा है, यानी आपको अच्छा खासा आपको समझो फ्री में ये कंपनी मिल रही है। अब मैं बात करूं इसका इंडस्ट्री पी की, तो इसका जो इंडस्ट्री पी है वो 11.12 है। इसका EPS है SJVN Ltd का वो 3.12 है। फेस वैल्यू है 10 का, तो फेस वैल्यू तो इनका अच्छा है और EPS भी मुझे इनका अच्छा खासा लग रहा है, और ये स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न भी देती है, ऐसा नहीं है, और रिटर्न नहीं भी देगी तो आपको डिविडेंड के रूप में अच्छा खासा आपको रिटर्न दे देती है, जो कि FD से ज़्यादा मिलता है। इस कंपनी के जो प्रमोटर है SJVN का वो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो सोच लो प्रमोटर को तो कोई दिक्कत नहीं है, झंझट ही नहीं है, क्योंकि जब भी कोई सरकारी कंपनी होती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है प्रमोटर की। हालांकि ये कंपनी पहले जो थी, मतलब कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से इस कंपनी की स्थापना की गई थी, लेकिन बाद में इस कंपनी को सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। अब मैं बात करता हूँ इस कंपनी का मैं म्यूचुअल फंड होल्डिंग में देख लेता हूँ, तो म्यूचुअल फंड में होल्डिंग देख लेता हूँ किस टाइप इसका म्यूचुअल फंड होल्डिंग है। तो इसके जो म्यूचुअल फंड होल्डिंग है यहाँ पे आ गया है, तो देख लो एडलवाइज LT इक्विटी फंड ग्रोथ फंड है, एडलवाइज LT इक्विटी डायरेक्ट ग्रोथ फंड है, स्कॉट्स हाई यील्ड इक्विटी डायरेक्ट ग्रोथ फंड है, स्कॉट्स हाई यील्ड ग्रोथ इक्विटी है, स्कॉट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, स्कॉट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ फंड है, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड है ग्रोथ, और SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ फंड है। तो इसमें जो म्यूचुअल फंड वाले लोग हैं, हालांकि कमी है लेकिन जो भी है इसमें बहुत ही, SJVN लिमिटेड में 2 ETF फंड भी आप देख सकते हो, भारत 22 ETF ग्रोथ फंड और ICICI प्रो BSE 500 ETF ग्रोथ फंड। तो जब भी कोई ETF किसी कंपनी में इन्वेस्ट होती है तो कंपनी बहुत सोच करके कोई भी सेलेक्ट करता है ETF वालों, ऐसे नहीं कोई ETF किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, तो जिस कंपनी में ETF लगाया जाता है ETF का पैसा लगाया जाता है वो बहुत सेफ कंपनी मानी जाती है। तो ये कंपनी सेफ तो ही है, लेकिन अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप 5 साल के लिए आपको होल्ड करना हो तभी आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, नहीं तो आप ना इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे क्योंकि आपका रिटर्न आएगा नहीं, और फिर बीच में आप कभी बेच देंगे आप लॉस में तो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं अपने हिसाब से मेरी जितनी समझ है तो मैं वो आपको बोलूँगा कि 5 साल आपको मन हो तभी आप इन्वेस्टमेंट करें, अगर आपको इससे ज़्यादा रिटर्न चाहिए 1-2 साल के अंदर रिटर्न चाहिए तो आपको बजाज फाइनेंस एडलवाइज IGL इस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको 5 साल के लिए आपको लगाना है पैसा तो इस स्टॉक में आप लगा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा खासा आपको। तो फ्रेंड मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, और कमेंट करके ये बताना ये आपको कंपनी कैसी लग रही है, और प्लीज़ आप लोग कमेंट लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।